पाकिस्तान में सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक 2008 तक ज़रई कारपोरेट फार्मिंग में 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत ज़राअत, मादनियात, आईटी और तवानाई के शुबों में सरमायाकारी होगी। ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी को रागब करने और सहूलियात की फ्राहमी के लिए प्लान को हतमी शक्ल दी जा चुकी और इब्तदाई काम मुकम्मल कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़रई शुबे में सरमायाकारी का आगाज हो चुका है और हजारों एकड़ अराजी ज़रई फार्म के लिए अलाट की जा चुकी है और इस पर जदीद फार्मिंग शुरू हो रही है, जबकि मादनियात, आईटी और तवानाई के शोबे में भी बड़े पैमाने पर गैर मुल्की और मुकामी सरमायाकारी मतवक्को है। SIFC के मुताबिक पाकिस्तान में दोस्त और बरादर ममालिक ज़रई शोबे में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाएंगे और मुल्क में कारपोरेट फार्मिंग का कल्चर भी रोक पाएगा। ये इकदाम SIFC के तहत होगा। तुर्की के सरमायाकारी वफद ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का दौरा किया। वफद की क़यादत डॉक्टर मेहमत पाकिसी ने की। उन्होंने PGSIFC सरमायाकारी के मौके और कारोबारी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया। SIFC के इकदाम की तारीफ की और तुर्की से मजीद सरमायाकारी लाने के अजम का अदा की। PGSIFC ने तुर्की के सफीर को मौजूदा और ताज़ा तरीन तुर्की से होने वाली सरमायाकारी में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फ्राहमी का यकीन दिलाया।